इसमें एक इनकी बात को एक और जगह पे कहा है कि अ लॉट हैज टू डू विथ रिलीजन, मजहब तो इसका ये मतलब है, ये बड़ा इसके जो अगर आप पढ़े ना कि इसका और कहा है कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि 370 के साथ जो डेमोग्राफिक चेंज है उससे आप मुस्लिम मेजोरिटी को माइनॉरिटी में जो तब्दील कर रहे हैं, अगर इसको मैं अगर इसको सही पढ़ने की कोशिश करूं, बिल्कुल ठीक है, तो और दूसरा एक चांस ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस अभी लगा है इसका 370 को, तो वो भी है। नागा जो बात कर रहे हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, आसाम, नागालैंड वगैरह, जिनको इसी तरह 371 वगैरह 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 वो करके दिया है। लेकिन इसके साथ जो एक जो बड़ी बात है कि मकबूजा कश्मीर के दौरान अभी भी हालात वैसे ही के वैसे ही मौजूद हैं। नहीं, पहले से खराब हुए हैं के, अब के, वो सड़कों पे निकल आ चुके हैं। आप ये देखें कि वो कह रहे हैं कि आप हजूम जो है लोगों का वो मुजाहरा कर रहा है, सूरा जहाँ पर सबसे पहला मुजाहरा हुआ था वहाँ पे कह रहे हैं, श्रीनगर के बिल्कुल करीबी इलाका है, वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं। जिस जगह पे ये दावा कर रहे हैं कि नरमी उठा रहे हैं, वहाँ पर हू का आलम है, शोपियान के अंदर हू का आलम है, जो बीबीसी की रिपोर्ट है। दूसरा, एक इनकी जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है कश्मीर की, उसने दावा किया था जिसपे बड़ा वावेला मचा हुआ इंडिया के अंदर, कि शोपियान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने नौजवानों पर, कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद किया और वहाँ पे मोबाइल और स्पीकर के जरिए उसकी आवाज़ सुनाई दी गई मोहल्ले के अंदर। वो अभी उस पर बहुत वावेला हो रहा है कि इसको अब वेरीफाई करें और हलाकतों की तस्दीक अब शो होना शुरू हो गई है। तो अभी तो कर्टन जब उठेगा, जब ये सारा मामला उठेगा, उस वक्त ये होगा कि कितना जुल्म और सितम हुआ है इस पूरे 16 दिन के दौरान। मेरा जो मारूफ साफ़ी और नावल नगार दोस्त हैं वहीद मिर्ज़ा साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी, लंदन में है वो, 16 दिन के बाद उनकी माँ बाप से अपने बात हुई है कल रात को, कह रहे मैं बीमार हो गया,